नमस्कार आदाब, मैं मंजूर आलम आपका रिपोर्टर भैया और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 6। दोस्तों, जब भी मैं कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जुड़ी कोई खबर की वीडियो डालता हूं तो आपका पहला कमेंट यही होता है कि कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान कब शुरू होगा। इसी बीच एक बड़ी खबर आई है कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से जुड़ी है, वो मैं बताऊंगा अपनी इस वीडियो में, तो वीडियो पूरा देखिएगा अंत तक। अगर आपने हमारे चैनल न्यूज इंडिया 6 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए सब्सक्राइब। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनकर तैयार है, ये हम सभी जानते हैं, बस यहाँ से उड़ान होने की देर है, यानी कि कभी भी सरकार की तरफ से तारीख का अनाउंस हो सकता है उद्घाटन का, और उद्घाटन होने के बाद यहाँ से उड़ान देश विदेश के लिए शुरू हो जाएगा, जिसका आप सभी और हम सभी इंतजार कर रहे हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने तमाम एयरलाइंसों से कॉन्टैक्ट किया था जिसमें देश विदेश की एयरलाइंस सेवा शामिल थी, उनसे वो कॉन्टैक्ट करके ये कहा था कि आप अपने विमान सेवा जो है कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से शुरू करें। इसी बीच नेपाल की बुद्धा एयरलाइंस ने एयरपोर्ट अथॉरिटी को अपना प्रपोजल भेजा है कि वो कुशीनगर से काठमांडू के लिए विमान सेवा शुरू करना चाहती है। प्रपोजल पूरी तरीके से एयरपोर्ट अथॉरिटी को सबमिट कर दिया गया है नेपाल की बुद्धा एयरलाइंस के तरफ से। अब जो है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी जैसे ही कंफर्म करेगा उसके बाद से कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से काठमांडू के लिए उड़ान शुरू हो सकता है, तो आप इंतजार कीजिए, जैसे ही कंफर्मेशन होगा हम आपको बताएंगे सबसे पहले, उसके बाद आप कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से काठमांडू की विमान सेवा ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत खुशी की बात है, एक लंबे इंतजार के बाद कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से कोई विमान सेवा शुरू होने वाला है, बस तारीख का अनाउंस नहीं हुआ है, जैसे ही तारीख का अनाउंस होगा हम आपको बताएंगे सबसे पहले, क्योंकि आप भी बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं कि कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कब शुरू होगा, तो अब वो तारीख आने में ज़्यादा देर नहीं है, तो इंतजार कीजिए, जैसे ही आएगा हम आपको बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही, आप देख रहे थे न्यूज इंडिया 6 में कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की न्यूज मंजूर आलम के साथ। अगर आपने हमारे चैनल न्यूज इंडिया 6 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए सब्सक्राइब। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।